لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الله رب العزت كي توفيق سے ريحان السيره سيره النبي मुख्त मौजुआत पर मुश्तम इस मख्तसर कोर्स के अंदर हम पहुँचे हैं आप आलखी सलामाम की मक्की ज़िंदगी के बिल्कुल इख्तामी या आखिरी मराल के अंदर तो मक्की दौर के वाक़ात के अंदर जो मुख्तिव पेश आए जिनमें इब्तदाई साल गैर एलानिया दावत के साल थे अगले साल एलानिया दावत के साल थे उसके बाद एक आज़माइश आई कि मशिकीन मक्का की तरफ से आप और आपके ख़ानदान का बायकाट कर दिया गया फिर जब वो बाईकट का ख़ा हुआ दस सन नबूत जिसमें हज़रत अबू तालब हज़रत खतीजा की वफ़ात होती है और उसके बाद दो बतें होती हैं कि ओस और खजरत से ताल्लुक रखने वाले लोग नबी इक्रीम सल वम के हाथों पर बैद करते हैं और आप सल्लम को बाकायदा मदीना मनवरा आने की दावत देते हैं के मदीना वराम इस्लाम के पहली स्टेट बन सके पहली रियासत बन सके आप आ सलाम उनकी दावत को कबूल करते हैं और अल्लाह इज़्ज़त के हुक्म के इंतज़ार में होते हैं कि कबल्ला की तरफ से हुक्म मिले अच्छा ये जो मक्का के आखिरी साल थे इनके अंदर एक अहम तरीन वाक़ पेश आता है और नबी करीम अलैहि वसल्लम के लिए और हम सब के लिए बहसीत आप सल्लम के उम्मती होने के एक अजीम शरफ़ व सदत की बात के इसरा और मेराज का वाक़ पेश आता है आप आ को अल्लाह रब्बुल रब्ल की तरफ़ से वो तहफ़ा मेराज की सूरत में इसरा और मेराज के सफ़र की सूरत में पेश किया जाता है जिसके अंदर आपसे पहले कोई नबी सबकत नहीं ले गया और इससे पहले कोई नबी इस मुकाम पर नहीं पहुंचा और इसी वाक़े के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल सलील् वल मुरसलीन बन जाते हैं आप बैतलम़दस में अम्बिया और रसुल की इमामत करवाते हैं जमात करवाते हैं तो इसी से आपको इमाम और रसुल कहा गया तो ये जो एक वाक़ पेश आता है बड़ा अजीम वाक़ इसरा और मराज ये वाक़ मक्की दौर के बिल्कुल आखिरी ज़िंदगी का वाक़ है इसरा कहते हैं जी असरा यूसरी से मजदर है इसरा वाकई इसरा मतलब मतलब इसरा का मतलब है बैतुल्ला से बैतुल बैतुलमकद तक चलाना जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इशारा किया पंद्रह पारे सूरत बनी इसराइल के बिल्कुल इब्तिदा में सुबहानी असरा बिअब्दिही पाक है वो जात जिसने चलाया अपने बंदे को तो असरा बिअब्दिही तो ये जो असरा है इसी से वाक इसरा यह असल में दो तरह के सफर थे पहला सफ़र बैतुल्ला से लेकर बैतलस तक था जिसको इसरा कहा जाता है दूसरा सफ़र बैतुलमक़दस से लेकर आसमानों तक का सफ़र था जिसको मराज कहा जाता है इसरा मतलब चलाना और मराज आरा जरु अरूद से है मतलब बुलंदियों तक ले जाना अब नबी करीम अलैहि वसल्लम के जो दो अहम तरीन वाक़ात वाक़ वाकिया इसरा और वाक़ आई ये जो वाकत पेश आते हैं ये आप और आपकी उम्मत का एक अज़ीम शरफ़ था ये वाक़ कब पेश आते हैं इसके अंदर सीरत नगारों के यहाँ काफ़ी अकवाल पाए जाते हैं वल्आलम जिस इमाम इबन हजर रहमा ने राजे करार दिया है वो ये कि मक्की दौर के अंदर ये बात तो हतमी है कि ये मक् दौर का वाक़ है तो पता चला बाज़ का जो ये कॉल है कि यह मदनी दौर का वाक़ है ये बात दुरुस्त नहीं है ये हजरत से पहले का वाक़ है और ये हिजरत से तकरीबन तीन साल पहले का वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज का सफ़र अल्लाह की तरफ से एक शरफ़ो मंजिलत के ये सफ़र करवाया जाता है अब देखिए नबी करीम अलैहि वसल्लम के ये जो सफ़र था बाज लोगों ने यह समझा कि ये शायद कोई ख्वा था तो देखिए अगर ये ख्वाब होता तो फिर इसके अंदर आप कोई मोवजा तो ना होता तो ये सफ़र आपली के लिए ख्वाब नहीं था बल्कि आपके जिसम मुबारक और आपकी रू दोनों के साथ का ये सफ़र था और बाकायदा हकीकी तौर पर जागने की हालत में आप आलखी सलातलम को यह सफ़र करवाया गया इसीलिए तो ये मुआवजा कहलाया अगर ये ख्वाब वगैरह होता तो फिर ये इतना कोई अजीम मुआवजा तो ना होता लेकिन ये बाकायदा जागने की हालत में जिसम और रू दोनों का सफ़र था जो कि अजीम मोजात में से हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम का शक़ सदर का वाक़ यहाँ पर भी पेश आता है आप वसल्लम के मुबारक दिल को निकाल कर ज़म ज़म के पानी से धोया गया ईमान विकमत से भर दिया गया और आप अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से बुराक नामी सो सवारी पर बैठा कर बैतुलमक़दस ले जाया जाता है वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लम अम्बिया और रसूल की अमामत फ़रमाते हैं उसके बाद रसूल के रसूल सल्ला वल्म को सफ़र मेंराज के ज़रिए आसमानों तक ले जाया जाता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं कि अक्सर हमारे यहां ये होता है कि तलबा को ये नाम नहीं याद रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस आसमान पर किस नबी से हुई थी तो अगर हम इस जदवल को याद कर लें जो हमारे सामने है तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये पहचानना कि आपकी मुलाकात किस आसमान पर किस नबी और किस रसूल से हुई थी तो ये अल्फाज का मजमु है आ या या हम क्या मजमू जी आ या या हमा तो देखें कैसे हम पहचान सकते हैं शुरू में जो अलीफ मद्दा है तो पता चला पहले आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी अबुल बशर यानी आदम आसम से दूसरा आसमान आया तो आ या या मतलब दो अल्लाह के रसूलों से मुलाकात हुई थी एक हज़रत यहा बिन जकरिया और एक हजरत ईसा बिन मरियम जिनका जमाना एक ही है तो दूसरे आसमान पर के साथ मुलाकात हुई थी दोनों के साथ ये दूसरे आसमान पर और सिर्फ दूसरा आसमान है जिस पर दो अंबिया से मुलाकात हुई बाकी तमाम आसमानों पर एक एक नबी से मुलाकात हुई अब देखिए आ या या हम तो तीसरे आसमान पर दोबारा से यह आ रही है तो तीसरे आसमान पर मुलाकात हुई थी नबी करीमल वम की हजरत यूसुफ आल्लाम से चौथे आसमान पर मुलाकात हुई थी हजरत इदरीस आलम से आ या या हुमा हुमा पांचवें आसमान पर मुलाकात हुई थी हजरत अली सलाम से छठे आसमान पर मुलाकात हुई थी हजरत मूसा सलाम से और आखिरी सातवें आसमान पर मुलाकात हुई थी हजरत इब्राहिम अली सलाम तो हमारे उस साजे कराम कहा करते थे आप ये मजमुआ ये लेटर्स का ग्रुप याद कर लीजिए आ या या हुमा तो आपको ये याद रहेगा किस आसमान पर नबी करीम सल्लाम की मुलाकात किस नबी और रसूल से हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से सातवें आसमान से सिधरतुलमन मुंतहा और फिर मामूर दिखाया गया जिसका तस्करा अल्ला रब्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर भी किया और हदीस के अंदर भी नबी करीमल वल्लम ने तफसील के साथ तस्करा फ़रमाया, बल्कि आने वाली अपनी हयात तय्यबा में कई एक ऐसी अदीस आप आलखिल सलातम से साहबा के नाम ने सुनी जो कि सफ़र में के दौरान के वाक़ात में था अहिल जन्नत के वाक़ में या अहिल जहनम के वाक़ात में या अबुज़त की अज़मत पर दलालत करने वाले या अल्लाह के फरिश्तों और बैतुलमामूर और सदरतुलमनतहा वगैरह के बारे में ऐसे वाक़ सहबा कराम नबी करीम सल वसलम से रिवायत करते हैं में, और ने के बहुत है, आपकी उम्मीद इसकी ताकत नहीं रखेगी कम होती 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 उनको पांच कर दिया गया लेकिन अल्लाह रबुलजत ने फरमा दिया ये अल्लाह की कमाल दर्जे की फरमा दिया ये पाँच हैं लेकिन असल में ये पचास हैं क्यों क्योंकि लादलिया मेरे यहां कोई कौल तब्दील नहीं होता तो ए मोहम्मद आपकी उम्मत पड़ेगी पांच नमाजें लेकिन इनको सवाब पचास के बराबर होगा तो बहुत अफसोस की बात है कि अगर कोई इन पांच नमाजों को भी ना पढ़ सके तो मतलब ये कि वो नबी करीम वसल्लम को मराज के मौके पर जो अजीम शान तोहफा दिया गया वो उस तोहफे का इंकारी है वो नमाजें नहीं पढ़ना चाहता अब अगर हम ये जानना चाहें कि वाकिया और इसरा और मराज के अंदर क्या अल्लाह की तरफ से हमतें थीं क्या दुरुस् थे क्या लेसन थे मेरे और आपके लिए तो सबसे पहले तो ये है अल्लाह की आजमत और शरफ़ का बयान नंबर दो अहल मक् और तइफ़ की तरफ से मिलने वाली अजीयों पर अल्लाह के रसूल सल की दिलजोई और तसली नंबर तीन आपकी नबोत और रिसालत का क़यामत तक बाकी रहना और तमाम उम्मतों के लिए इसका आम होना नंबर चार अल्लाह का अपने पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानियाँ दिखाना आयात दिखाना जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अस्लाम में फरमायाली नूरी या मिन आयात ताकि हम उसे अपनी निशानियों में से दिखाएं अब देखिए मक्की जिंदगी के बिल्कुल आखिर के मराहल चल रहे हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम अल्लाह रबुल्ज़त के हुम के इंतज़ार में है कि कब अल्लाह की तरफ़ से हुक्म हो और आप सल्लम उसकम की इतात में मक्का मुकरमा से मदीना मुनवरा की तरफ हजरत कर जाएँ और बैत अब सानिया ने मतलब सेवनटी फ़ाइव लोगों ने जो आप के हाथों पर बैत की थी तो इस बैत ने नबी करीम सल वम के लिए मक् मक्रम से मदीना मनवरा की तरफ हजरत करना और ये राहें बड़ी आसान कर दी थीं मशरकी मक्का के मजालिम भी हद से बढ़ गए थे और उनको कानों कान उनके बाद ये पहुँच जाती हैं कि अब मुसलमान जो हैं वो मदीना मुनवरा हिजरत करेंगे और वाक ऐसा हुआ था कि कुछ मुसलमान जब जब उन्हें मौका मिलता तो वह मक्का मुकरमा से निकलते और मदीना मुनवरा की तरफ हिजरत कर जाते यहाँ तक कि आप सलाम के सहाबी हजरत अबू सलमा हैं वो हिजरत करने लगे तो मुश्रकिन मक्का ने उनके बीवी बच्चों को रोक लिया वो बीवी बच्चों को छोड़कर अकेले हिजरत कर जाते हैं देखिए उन्हें जिस चीज़ का डर था वो डर ये था कि अगर मुसलमान मदीना के अंदर पकड़ लेते हैं तो हमारी जो शाम के या यमन के तजारती सफर हैं वो मदीना मरवरा से होकर गुजरते हैं तो अब जब मुसलमान वहाँ पर कुत पकड़ लेंगे तो हमारे तजारती काफ़िले जाते भी हैं तजारती सामान लेकर आते भी हैं तो ये मुसलमान उन काफिलों को कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे तो नबी करीम वसल्लम को किसी सूरत में जिंदा सलामत मदीने नहीं पहुँचने देना अगर ये नबी वसल्लम पहुंच गए वहां पर मुसलमान मजबूत हो जाते हैं इनके कदम जम जाते हैं तो फिर हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और वहाँ पर ये बड़े मज़बूत हो जाएंगे तो अब मक्का के मशरक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दरपे हो जाते हैं और वो हर तरह की ख़ानदानी और उस गैरत हमीत को छोड़ कर पराए और अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं यहाँ तक के सारे के सारे मशरक ये नबूवत का चौदवा साल शुरू हो चुका है जिलाजा के बाद मुहर्रम का महीना है सफ़र का महीना है नबूवत के बिल्कुल चौदवें साल के इब्तायी महीने हैं मशर्किन सारे के सारे दार नदवा नामी जगह पर जो उनकी नादी उनकी मजलिस लगा करती थी उसमें जमा होते हैं और सबका इस चीज पर इतफाक़ होता है कि ऐसे करते हैं अगर किसी एक शख्स ने या कबीले ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो ज़ाहिर बात है फिर वो आ, आ कुरेश को जवाब देना या बदला देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो इस तरह करते हैं तमाम कबाइल से एक एक फ़र्द लेकर सारे मिल कर ये गनौना फेल सर अंजाम देते हैं ताकि कुरेश बारह तेरह कबाइल से ये मुतालबा ना कर सकें के कौन खून का बदला देगा और अगर देना पड़े तो सारे मिल कर दे दें तो सारे सारे कबाइल के कुछ ना कुछ लोग इस साजिश के अंदर शरीक हो जाते हैं और ये अबू जहल जो जहलीत का सरदार था ये उसकी तरफ से मशवरा आता है और सबको बड़ा पसंद होता है और सारे इस चीज़ पर इतफाक़ कर लेते हैं कि सारे के सारे कबाइल इस कतल के अंदर शर्क हो जाते हैं अब देखिए आज के हमारे सेशन का चौथा मौजू नबी इकरीम सलील्ल वम को अल्लाह केक्म से इजाज़त दे दी जाती है अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकरमा से मदीना मनवरा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी जाती है नबी इकरीम सलील वसम अपने रफ़ी के सफ़र हज़रत बकरीक रज़ी अल्लाह तरफ जाते हैं अब जब उनके घर गए दोपहर का टाइम था तो हज़रत बकरीक भी समझ गए कि यकीन कोई बड़ा मामला है कि अल्लाह के रसूल सल्म उस वक्त में तशरीफ़ लाए हैं जिस वक्त में आते नहीं हैं जाकर हज़रत सिद्दीक रजी अल्लाह तनों से फ़रमाने लगे कि ए अबू बकर इन्नी कद उदीनली फिलखरूच ए अबू बकर मुझे हिजरत करने की इजाज़त दे दी गई है फ़काल अबू बकर अबू बकर ने कहा क्या कहासोहब्या रसोल्ला एल्ला के रसूल सफ़र में आपका साथी बनना चाहता हूँ आपकी रफ़ाक़त चाहता हूँ हज़रत आयशा रजी अल्लाह तज़रत बकरीक़ रज़ी अल्लाह तुम की बेटी जो कि इस वाकये को बयान कर रही हैं सही बुखारी के अंदर दीगर किताबों में वाक़ मौजूद है कहती हैं कि जब नबी अलैहि वसल्लम ने भी मेरे वालद ग्रामी हजरत व सिद्दी को यह फरमाया नाम हाँ अब बकर मैंने तुम्हें ही सफ़र के अंदर अपना साथी चुनना है फ़र तो अबी अबा बकर मैंने देखा कि मेरे वालद ग्रामी हजरत व बकर ने रोना शुरू कर दिया और कहती हैं व माँ कुन तो अह सब अन्ना अहद की मिनल्फ़र हालांकि इससे पहले तो मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि खुशी से भी कोई रो रोता है तो जब मैंने अपने वालद गिरामी हज़रत सिद्दीक को देखा कि इजाज़त मिलने की सूरत में और देख लीजिए ये कोई इजाज़त आम बात नहीं थी अपनी जान बचाते हुए मक्का को छोड़कर मदीना मुनवरा की तरफ निकलना था ये कोई आसान बात तो नहीं थी अपनी जान की कुर्बानी भी दी जानी थी माल एहलोयाल वतन सब चीज़ों को छोड़कर मदीना मुनवरा की तरफ अपनी जान बचाते हुए निकलना था तो हजरत बकर इस इजाजत के मिलने पर क्या कहते हैं रोना शुरू हो जाती हैं और हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब मैंने अपने वालद ग्रामी को रोते देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कि हाँ आंसू सिर्फ परेशानी से नहीं निकलते बल्कि आंसू तो खुशी भी से भी निकलते हैं कि मेरे वालद गिरामी हिजरत के सफर में आप अलैहि वसल्लम की रफाकत की की वजह से जो आपको खुशी पहुंचती है तो आप जारोकतार रोना शुरू हो जाते हैं अल्लाह अकबर तो देखिए वो वैसे नहीं सिद्दीक के लाए ये था हजरत व बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्हों का पुख्ता ईमान और आप वसल्लम पर सब कुछ निछावर कर देने का जज्बा अच्छा जी अब जब मुशरकिन मक् को यह बात पता चल जाती है कि मुसलमान तो निकलना शुरू हो गए हैं अब अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल् किसी भी वक्त मक्का मुकरमा को छोड़कर मदीना मनवरा निकल जाएंगे तो मशरकिन मक्का क्या करते हैं नबोत का चौदवा साल है सफ़र का महीना है दूसरा महीना उसकी सताईस तारीख है रात का वक्त है ने मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम के घर का घेराव कर लेते हैं ताकि आप अलैहि वसल्लम ज़िंदा सलामत घर से निकलकर मदीना मुनवरा ना जा सकें जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुरत-ul-अनफ़ाल में सूरत यासीन के अंदर इशारा इशारा फरमाया सुरत-ul-अनफ़ाल आयत नंबर तीस में फ़रमाया व इम कुरु बिकलिन लदीन उ जब काफ़िर आपके बारे में मुख्तलिफ चालें चल रहे थे लियुस बतू का ताकि वो आपको कैद कर लें ओलु का या वो आपको कत्ल कर दें ओ युखरी का या वो आपको निकाल दें व यम को रूना वो भी चाले चाह रहे थे वो यम और कर रहता, वा और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था वाहरमा की और अल्लाह रब सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है और सूरत यासिन के अंदर अल्लाह रबुजत ने क्या फरमाया व जाम बैन अम सद्दा हमने उनकी आंखों के आगे भी एक रुकावट बना दी वमिन खल्फी हिमसदा उनके पीछे भी रुकावट बना दी फा आग ना होम हमने उन्हें डांप लिया फा हम ला यबसरून और वो नहीं देख सकते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे बसारत को ही छीन लिया यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थरों की मुट्ठी को भरा और मक्का की तरफ फेंक दिया ये मुट्ठी उन पर इतनी सख्त वाक़ हुई कि उनकी कुत बसारत उनसे छीन गई कुछ लम्हात के लिए उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और इन्हीं लम्हात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत करीमा को पढ़ते हुए वजायल मिन बैनी आइदीहिम सद्दा वाम खल्फी हिम सद्दा फाग फिर साहित्य करीमों को पढ़ते हुए नबी करीम अपने घर से निकलते हैं और हज़रत बकरीक रजी अल्लाह के घर की तरफ पहुंचते हैं अब देखिए आज के हमारे सेशन का पांचवां और आखिरी मौजू हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन ने सफर के लिए पहले से दो ऊँटियों को तैयार कर रखा था और एक शख्स जो कि रास्तों का बड़ा जानने वाला था उसको भी तैयार कर रखा था ताकि वो मदीना तक का रास्ता नबी करीम अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक को बतलाए और आप से ही सलामत मदीना मुनबरा तक पहुँच चुके तो ये शख्स भी तैयार था ऊँठियाँ भी तैयार थी हज़रत सिद्दीक ने ऊँठरियाँ उसके हवाले कर दी कि जब भी मेरा पैगाम पहुँचेगा तुम ये ऊँठरियाँ लेकर मदीने के रास्ते में आ जाना और आप की एक बेहतरीन हकमत अमली कि अल्लाह के रसूल सल्लास सतई सफ़र को अपने घर से निकलते हैं और निकल कर मदीना की तरफ नहीं निकले ये कमाल अमली थी क्योंकि अगर मदीना की तरफ निकलते तो जाहिर बात है मुशरकिन मक्का ने सौ ऊंटों का इनाम मुकर कर दिया था जो आप सल्लाम को किसी हालत के अंदर लाएगा तो उसको सौ ऊंट दिए जाएंगे अगर मदीना मुनवरा की तरफ निकलते तो यह खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ना कोई उस इनाम की लालच में आप सल्लाम को पा ले रास्ते में और आप सल्लाम को कोई नुकसान पहुंचाए तो बेहतरीन अमली कि आप आलखी सलाम मदीना के बिल्कुल अपोज़िट गार जहाँ पर वाकई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ शुमाल का रास्ता जाता था शुमाल की तरफ नहीं गए बल्कि उसके बिल्कुल अपोज़िट जुनूब की तरफ जो मौजूदा दौर के अंदर मक्का के साथ एक छोटी सी आबादी है बल्कि अब काफ़ी वो फैल चुकी है जिसको बथा कुरेश कहा जाता है बथा कुरेश की आबादी में जो एक पहाड़ में गार शोर वाक़ है नबी करीम अलैहि वसल्लम उस गारे शोर पर तशरीफ़ ले जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ला मुझ तलब इलम के लिए शरफ़ की बात के हज के मौक़े पर हु की तरबियत करने के दौरान उस गारे शोर के नीचे जो दावा सेंटर है कई दिनों तक उस दावा सेंटर में अपने उर्दू ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दीन की दावत देने की और हज के सही तरीके बताने का शरफ हासिल हुआ तो ये बिल्कुल मक् के जुनूब की तरफ हैं तो जनूब की तरफ आपली गारे सोर में तशरीफ़ ले जाते हैं और तीन दिन तक गारे शोर के अंदर क़ियाम करते हैं तीन दिन तक गार शोर के अंदर क़ियाम करते हैं ये बेहतरीन हमत अमली थी और जिस शख्स को हजरत व बकर सद्दीक़ ने मदीना मुनवरा पहुँचाने के लिए बाकायदा उसकी ज़िम्मेदारी लगाई थी और उसको उजरत के बदले में तैयार किया था रास्तों का माहिर उसका नाम अब्दुल्ला था अब्दुल्ला बिन अरीक़त अलीसी हैं जिन्हें हजरत सिद्दीक़ ने उजरत देकर तैयार कर रखा था अब देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि जो कलर का रास्ता है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का रास्ता था और जो सुरख कलर का आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ये मदीना मुनवरा का अमूमी रास्ता था तो अल्लाह के रसूल वसल्लम तीन दिन के बाद जब गारे शोर से जब मश्रक मक्का थक हार तक मदीने तक जाकर वापस पलट आते हैं और उन्हें पता चलता है कि मोहम्मद वसम यहाँ से नहीं गुजरे ना रास्ते में दिखाई दे ना मदीने पहुँचे वो वापस मक्का में पलट आते हैं तीन दिन तक सुकून हो जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्मारे शोर से निकलकर मदीना के आम रास्ते पर सफ़र नहीं करते बल्कि हट कर समुंदर करीब करीब से जो मौजूदा जद्दा नामी शहर है उसके करीब करीब से एक रास्ता इख्तियार करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की राह लेते हैं जिस रास्ते के अंदर राबिख नामी शहर भी आता है सऊदी अरब का इस टाइम का एक इंडस्ट्रियल सिटी है राबिख नामी शहर भी आता है वहाँ से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते हुए मदीना मुनवरा रुख लेते हैं और ये वसल्लम का मदीना मुनवरा की तरफ सफ़र का आगाज़ कब होता है जी ये यकम रबी अव्वल को सफ़र का आगाज़ होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए मदीना मनवरा पहुँचते हैं तो हिजरत के सफ़र का आगाज अलहमद ये हमारा आप कह लीजिए कि आज का पाँचवा मौजूद था तो अल्लाह की तोफ़ी से हमने पाँच मौजूद को बयान किया आने वाले सेशन में इनशाला यहाँ से शुरू किया जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल व मदीना मुनवरा में पहुँचते हैं अंसारी साहबा जो रोज़ आपलीलम का इंतज़ार किया करते थे दिन चढ़े इंतज़ार करते शाम तक देखते रहते कि कब आपली सल्लम का दीदार होगा हमारी आँखें ठंडी होंगी हे अन्सन मरहबा कहेंगे रोज़ वह इंतज़ार किया करते आने वाले सैशन का इन शगाज़ आप का मदीना मनवरा में खुबा के मुकाम पर पहुँचना وھاں سے کیا جائے گا الا بالله وصلى الله تعالى لنبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد لَكُمْ في